हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। ये मेरी बहुत छोटी सी क्लाइंट हैं और इनका आज मैं हेयर कट करने वाली हूँ। मैं इनका हेयर कट करने वाली हूँ बेबी ब्लंट। और जैसा कि आप इनका प्रीवियस लुक देख रहे हैं, इनका स्टेप्स वगैरह आपको दिख रहा होगा शायद, तो इनका पहले भी जो हेयर कट मैंने किया था वो मैंने ही किया था और वो स्टेप्स आज भी दिख रहा है। बस थोड़ा सा नीचे का जो लेंथ है वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा उड़ा उड़ा जैसा लग रहा है और काफ़ी अलग अलग जैसा भी अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी बात ये कि काफ़ी गर्मी भी अभी यहाँ पे चल रही है। पटना में जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 42-43 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर चला जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ऐसे में मेरी क्लाइंट ने कहा कि इनका हेयर कट काफ़ी छोटा कर दीजिए, और जो कि अच्छा भी लगे, गर्ल हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए। तो ठीक है, मैंने बेबी ब्लंट कट इनका स्टार्ट कर दिया। उसके लिए मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन लिया है और फिर उसके बाद पीछे वाला जो हेयर है उसको सारा कॉम करके मैंने पीछे उसको बिठा लिया और कितना हेयर कट करना है मैंने पूछ लिया है। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और सारे हेयर कट को पीछे वाले जो है उसके एज अ गाइडलाइन मैंने ले लिया है और उसी लेंथ के हिसाब से सारा हेयर कट अब होगा। तो जो हेयर कट होता है, लेंथ कितना निकालना है, ये तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि कितना हेयर कट करना है बहुत बहुत जल्दी से हेयर सीजर चल जाता है और लेंथ कट हो जाता है। लेकिन उसी लेंथ के अनुसार सारे हेयर को, मतलब आगे साइड से पीछे से सारे हेयर कट जो भी होता है वो उसी शेप में नज़र आए, एक सिंक में नज़र आए, एक सिलसिलेवार तरीके से, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब मिलाना, इसको कहते हैं मिलाना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पीछे का हेयर कट मैंने कर लिया पहले, अभी भी वो इवन नहीं है, बस ऐसे ही रैंडमली मैंने उसको कट कर लिया है और बार बार कॉम करके मैं उनको बिठा रही हूँ। हेयर्स को, सारे हेयर्स को मैं सेट कर रही हूँ, बिठा रही हूँ, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हेयर मुझे नज़र आ रहा है मैं हेयर को कट कर ले रही हूँ। और चूँकि ये बच्ची काफ़ी छोटी हैं और ये अपना सिर भी काफ़ी हिला रही थी तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इनकी मम्मी का मदद लिया है और उसके बाद वो खुद इनको पकड़े हुई हैं, इनके हेड को टाइट थोड़ा सा होल्ड कर रही हैं ताकि मैं उनका हेयर कट अच्छे से कर पाऊँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी मम्मी का भी हेयर कट अभी ही मैंने किया है, तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। उनका भी सिंपल यू कट मैंने किया है और साथ ही साथ थोड़ा सा लेयर्स मैंने दे दिया था। तो मम्मा एंड डॉटर हेयर कट मैं अभी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, लेकिन वो अलग अलग होगा, पार्ट टू में जाएगा। ये पार्ट वन हो गया और मम्मा हेयर कट वो हो जाएगा पार्ट टू, ठीक है। तो इस हेयर कट को आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल बारीकियां आप यहाँ पर देखिए कि कैसे मैं यहाँ पर हेयर कट कर रही हूँ। जो कान के पास वाला हेयर है वो जल्दी से पकड़ में नहीं आता है, बड़ा रह जाता है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। तो कैसे मैंने उसको कॉम किया और कॉम के सहायता से मैंने कॉम वहाँ पर स्थिर रखा हुआ है और फिर जो भी एक्स्ट्रा हेयर मुझे नज़र आ रहा है मैं वहाँ पर उसको कट कर ले रही हूँ। तो कान के पास का जो अक्सर होता है वहाँ पर बच्चे को लग जाता है, थोड़ी सी सीजर लग जाती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अच्छे से कॉम करिए, मिलाइए और बच्चे को उस समय वार्न कर दीजिए कि यस, अगर आप अभी हिले तो आपके कान में लग जाएगी और ब्लड वगैरह आ जाएगा। तो बच्चा थोड़ा सा उस समय कॉन्शियस हो जाता है और वो हिलना थोड़ा सा कम कर देता है, राइट। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़ा सा प्यार भी दिखाना ज़रूरी है, थोड़ा सा सीरियसनेस भी इस वक्त दिखाना ज़रूरी होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और हेयर कट बहुत अच्छे से हो जाता है, बच्चों वाला जो हेयर कट है वो अच्छे से हो जाता है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि सारा हेयर मैंने कर दिया है, सारे हेयर को पीछे से भी ला के मैंने बिठा दिया है चारों तरफ से। तो एक फ्रंट से थोड़ा सा हेयर शॉर्ट है और पीछे पीछे जैसे जैसे आ रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन वो नेप एरिया तक ही है, मतलब बस गर्दन तक ही है, ओके। तो ये बेबी ब्लंट है और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। ये इनका फाइनल है, मैं कॉम करके अच्छे से दिखा रही हूँ इनकी मम्मा को भी, और ये बच्ची भी खुद मिरर में देख के अपना वो तय कर सकती हैं। काफ़ी खुश थी और काफ़ी जॉली मूड वाली ये मेरी क्लाइंट थी, बहुत ज़्यादा हंसमुख। तो अब इसके बाद जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी पार्ट टू, इनकी मम्मा का हेयर कट वो ज़रूर देखिएगा, ओके।